पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फर वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। चलते हैं ट्यूटोरियल पर, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। शुरू में स्टार्ट में मैंने तीन लाइनें सीधी उल्टी सीधी तीन लाइनें बुनी हैं। ये उल्टी साइड में डिज़ाइन पड़ेगा, इसलिए मैं ये तीसरी लाइन बुन रही हूँ। उल्टी साइड में डिज़ाइन बुनेगा, ये तीसरी लाइन है। पूरी लाइन हमने सीधी बुननी है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले मैंने सीधी लाइन बुनी थी, फिर उल्टी बुनी थी, अब ये तीसरी लाइन मैं सीधी बुन रही हूँ। उल्टी साइड में डिज़ाइन पड़ेगा। ये पूरी लाइन हमने सीधी बुननी है। ये मैंने तीसरी लाइन कंप्लीट बुन ली है, जो कि मैंने पूरी सीधी सीधी बुनी है। अब ये चौथी लाइन उल्टी साइड में, इसमें हम डिज़ाइन पड़ेगा। अब हमने पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया है। अब ये दूसरा फंदा, इसमें हमने ऐसे ऊपर से नीचे को बल डालने हैं, ये दो बार तीन बार चार बार बहुत लूज करके डालना है उसको। उसके बाद उंगली से ऐसे निकाल लेना है, सबको पकड़ के सीधे फंदे की तरह बुन लेना है। फिर एक फंदा, फिर अगला फंदा हमने इसको हमने हाथ से दबाते हुए टाइट करके इसको सीधा बुन लेना है। ये पूरी लाइन सीधे फंदे की तरह ही बुनेंगे, एक फंदा सीधा और दूसरे फंदे में डिज़ाइन ऐसी ऊपर से नीचे को एक बार दो बार तीन बार चार बार। चार बार बुनने के बाद हम उंगली से निकाल लेंगे इसको, ऐसे सबको पकड़ के ऐसे खींचते हुए सीधे फंदे की तरह बुन लेंगे। फिर अगला फंदा हमने सीधा बुनना है और इसको उंगली से दबा देना है। ये फंदा हमने सीधा बुनना है। अगला फंदा फिर ऐसे ही ऊपर से नीचे को एक बार दो बार तीन बार चार बार। चार बार बुनने के बाद इसको उंगली से निकाल लेना है, सबको पकड़ के ऐसे सीधे फंदे की तरह बुन लेना है। फिर एक फंदा हमने सीधा बुनना है, सीधा बुनना है। फिर अगला फंदा फिर हमने ऐसे ही करना है, एक बार दो बार तीन बार चार बार। चार बार बुनने के बाद उंगली से निकाल लेना है, इसको ऐसे पकड़ के सीधे फंदे की तरह बुन लेना है। फिर अगला फंदा हमने सीधा बुनना है और इसको उंगली से दबा लेना है, सीधा बुनना है। इस तरह हम पूरी लाइन बुनेंगे। अब मेरी ये चौथी लाइन कंप्लीट होने वाली है। एक फंदा हमने सीधा बुनना है और एक फंदे पे हमने बल डालना है, बल ऊपर से नीचे की तरफ को, एक बार दो बार तीन बार और चार बार। चार बार डालने के बाद उंगली से निकाल लेंगे और सबको पकड़ के सीधे फंदे की तरह बुन लेंगे। फिर अगला वाला फंदा हमने सीधा बुनना है, उससे ये सारों को उंगली से दबा के सीधा फंदा बुनना है। फिर अगले फंदे में फिर हमने ऐसे ही करना है, बल डालना है, एक दो बार तीन बार और ये चार बार। चार बार बुनने के बाद ये हमने सीधे फंदे की तरह बुन लेना है। इस तरह ये हमारा चौथी लाइन कंप्लीट हो गई है। ये पूरी लाइन हमने सीधी बुननी है, इसको पकड़ के नीचे खींच देना है। और ये एक फंदा सीधा और एक फंदा ये हमारा बल वाला, ये सीधा बुनना है, इसको पकड़ के खींच देना है। फिर हमने सीधा बुनना, इस तरह पूरी लाइन हम सीधी बुनेंगे, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, पूरी लाइन सीधी बुनेंगे, इसको पकड़ के खींच देना है। अब ये डिज़ाइन मेरा चार लाइनों में कंप्लीट हो गया था। अब ये अगला डिज़ाइन फिर से रिपीट हो रहा है। ये पहली लाइन मैंने सीधी बुनी है, पीछे की लाइन मैंने पूरी उल्टी बुनी है, फिर आगे की लाइन तीसरी लाइन मैंने सीधी बुनी है, चौथी लाइन में फिर से डिज़ाइन पड़ेगा। अब ये डिज़ाइन की दूसरी लाइन है, इस तरह ये पूरी लाइन हम ऐसे ही बुनेंगे, ऐसे ये डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा। पहले मैंने सीधी बुनी, फिर उल्टी बुनी, फिर तीसरी लाइन ये सीधी बुनूंगी, चौथी लाइन उल्टी साइड में फिर वैसे ही बल डाल के डिज़ाइन पड़ेगा। इस तरह ये डिज़ाइन रिपीट होता रहेगा।
ये मेरा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद ऐसा दिखेगा। यदि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।